हेलो दोस्तों, मैं अभिजीत स्वागत करता हूं आपको आसनसोल गार्डन चैनल में। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे गुलाब के पौधे के बारे में। हमें कैसा गुलाब का पौधा नर्सरी से ख़रीदना चाहिए, इस बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। देखिए, मेरा जो आप जो ये गुलाब का पौधा देख रहे हैं, इसमें देखिए एक ही डाली पे चार चार फूल खिले एक साथ। तो हमें सबसे पहले तो हमें ध्यान रखना होगा कि हम जो पौधा ख़रीद रहे हैं उस पर फूल आए हुए है कि नहीं, क्योंकि फूल आए हुए रहने से क्या होता है, हम लोगों को फूलों का कलर पता चल जाता है। ये सबसे पहले ध्यान रखना है। उसके बाद हम लोगों को देखना है कि प्लांट जो है वो हेल्दी है या नहीं। उसके जो तने हैं यदि थोड़े मोटे रहेंगे, हेल्दी रहेंगे, तो पौधा जल्दी फ्लावरिंग करेगा और ज़्यादा फ्लावरिंग करेगा। ये चीज़ हम लोगों को देखना है। उसके बाद हम लोगों को देखना है कि पौधे में फ्लावर्स कैसे आ रहे हैं, एक एक ब्रांच में कितने फूल है, ज़्यादा है या कम है। जैसे मेरे जो आपको मैंने सबसे स्टार्टिंग में दिखाया, एक ब्रांच में चार था, और ये जो अभी मैं आपको दूसरा दिखा रहा हूँ इस पे भी चार चार फूल आए। देखिए, एक ही ब्रांच में, एक ही डाली पे, एक ही जगह देखिए चार फूल खिल गए हैं। चार फूल नहीं खिले हैं, अभी चार कलियाँ हैं, इसमें से एक खिलना स्टार्ट हुआ अभी। देखिए ध्यान से, इस पे एक ही जगह पे चार कलियाँ, तो ब्रांच ऊपर आने के बाद चार हिस्सों में बट के चार फूल आ रहा है एक साथ। तो यदि इस तरह के पौधे हमें मिलते हैं तो हमें फट से ख़रीद लेना चाहिए दोस्तों नर्सरी से, क्योंकि ऐसे पौधे जो है बहुत ज़्यादा फ्लावरिंग करते हैं, एक एक साथ में, गुच्छों में, एकदम बंच में, बहुत ही ज़्यादा फ्लावरिंग एक एक बार में करते हैं। तो इस तरह के पौधे हमें नर्सरी से देख कर ख़रीदना चाहिए। और क्या है कि हमारे बहुत सारे फ्रेंड्स कहते हैं कि नर्सरी से जब लाया था तो बहुत फूल खिल रहे थे, लेकिन अभी जो है फूलों की संख्या जो है घटते जा रही है। इसका कारण यह है दोस्तों कि हम लोग जो है उसकी सही तरह से उसकी केयर नहीं करते हैं, उस पर फंगस का अटैक हो जाता है, उस पर सही टाइम पे हम लोग इंसेक्टिसाइड का स्प्रे नहीं करते हैं, विटामिन स्प्रे नहीं करते हैं। तो इन सब को यदि हम टाइम से यदि आप स्प्रे करेंगे ना, तो आपका जो है पौधा बहुत ही अच्छा ब्लूम करेगा। तो इसके लिए आपको विशेष तौर पर ध्यान रखना है कि टाइम से, जैसे आपको फंगस के लिए फंगिसाइड और इंसेक्टिसाइड का स्प्रे हर 15 दिनों में एक बार कम से कम करना ही है, नहीं करने से पत्तों पे कीड़े लगने लगते हैं और फिर हमारा पौधा जो है उसका विकास कम हो जाता है। उसके बाद दोस्तों आप विटामिन का स्प्रे कीजिए 15 दिनों में एक बार, कोई भी विटामिन, जैसे एग्रोमिन गोल्ड हो गया, विटामिन का स्प्रे 15 दिनों में एक बार आप कीजिए, ये सब बहुत ही ज़रूरी है। और पत्तों का फोलियज बढ़िया बनाने के लिए आपको मैग्नीशियम सल्फेट का स्प्रे करना है। आप मैग्नीशियम सल्फेट और NPK दोनों मिलाकर उसका भी स्प्रे कर सकते हैं। मिट्टी में आप अच्छी तरह से खाद दें, प्रत्येक महीने महीने में एक बार गमले की साइड साइड से गुड़ाई कर दें और उस पर अच्छी तरह से गोबर की खाद, सरसों की खली, थोड़ा सा मिश्रित खाद, उसके बाद बोन मील, ये सब मिला के आप खाद बना लीजिए और थोड़ी थोड़ी एक मुट्ठी ही दीजिए हर गमले में, लेकिन ज़रूरी है दीजिए, तब आपका भी पौधा जो है एकदम फूलों से लदा रहेगा। हर समय आपका लगेगा कि पौधा, हाँ मेरे भी पौधे में दम है। आप लोगों को ऐसा लगता होगा कि दूसरे के पौधे देख रहे हैं, हाँ उसमें बहुत अच्छे फूल आ रहे हैं, मेरे में क्यों नहीं आ रहे हैं, क्योंकि हम उतना मेहनत ही नहीं कर रहे हैं। मेहनत नहीं करेंगे, उतनी बढ़िया खाद पानी नहीं देंगे तो उतनी अच्छी फ्लावरिंग नहीं होगी। हम जितना मेहनत करेंगे वैसा ही हमें रिजल्ट मिलेगा, इस बात का हमेशा ध्यान रखना चाहिए। जितनी अच्छी आप मेहनत करेंगे वैसा बढ़िया आपको रिजल्ट मिलेगा। आप देख सक रहे हैं कि मेरे जो ये प्लांट है इसमें कम से कम अभी 10 से 15 कलियाँ आई हुई हैं, और ये जब सारा जब ब्लूम हो जाएगा तो सोचिए आप कितना सुंदर लगेगा देखने में हमारा पौधा। अभी एक एक जगह पे चार चार कलियाँ हैं, ये सारा कलियाँ ब्लूम होने के बाद बहुत ही सुंदर लगने लगेगा। अब मैं आपको दिखाता हूँ, एक सप्ताह बाद यही सब कलियाँ जो हैं पूरी खिल चुकी है, वो आपको कैसा लगता है मैं आपको अभी दिखाता हूँ। ये देखिए, एक सप्ताह बाद रिजल्ट, बहुत सारी कलियाँ जो है पूरी खिल चुकी है और बहुत सारा अभी भी दोस्तों आधा खिलना बाकी है। आप ये देखिए, बहुत ही अच्छी खिल रही है। इसी तरह के आप नर्सरी से पौधे लाइए और उसकी सही देखभाल कीजिए दोस्तों, आपको भी पौधा इसी तरह से इससे भी ज़्यादा ब्लूम करेगा और आपको ढेर सारा खुशियाँ देगा। तो ये थी दोस्तों एक गुलाब के बारे में एक छोटी सी वीडियो। आपको हमारी आज की वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके अवश्य बताना, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। गो ग्रीन।